हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? तो एक और T20 लीग इंडिया के स्टेट का, आपका आंध्रा T20 लीग, आपको पता होना चाहिए। लगभग हर स्टेट पूरा ट्राई कर रहे हैं अपना अपना लीग्स ऑर्गेनाइज करने का। जैसे TNPL काफी टाइम से चल रहा है, कर्नाटक प्रीमियर लीग चल रहा है, अभी बीच में आसाम हुआ था, अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो आपका ये छत्तीसगढ़ का हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र T20 लीग होता है। तो ये आंध्रा भी, इनका दो सीजन हो चुका है, ये तीसरा है, ठीक है। सब अपना अपना लीग्स ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। अभी बीच में हमने ये भी देखा था, जितने भी नई नई लीग स्टार्ट हुई, जैसे मध्य प्रदेश लीग हमारी अभी जस्ट स्टार्ट हुई थी, उत्तर प्रदेश लीग भी हमारी चलती रहती है। तो ये आंध्रा T20 लीग, इसका कुछ चीजें मैं सबसे पहले बता दूं। 2 साल कंटिन्यूअसली फाइनल में पहुंचे हैं कोस्टल राइडर्स, पहले साल इन्होंने जीता है, दूसरे साल इन्होंने जीता है। दूसरा, इनकी जो पिच है, भर भर के रन बनते हैं वहां पे, ठीक है। आप आईपीएल में भी रन बने हैं, लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो अगर आप सेकंड बैट पकड़ोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां बॉलर्स को उतनी मदद नहीं मिलती है। पिचेस इजी होती है, जैसे हमने आईपीएल में देखा, जिसने भी सेकंड बैट को पकड़ा होगा वो मैक्सिमम निकल गया होगा, क्योंकि पिचेस इजी होती है तो वहां बॉल टर्न नहीं लेती और बैट्समैन सिर्फ मारता आया करके और रन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड जाकर देखिएगा। लगभग हर मैच में आप, मैक्सिमम मैच में आपको चेज मिला है या तो कलर मिला है, ठीक है, यहां ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, तो ये बात है। तो यहां पर वही होगा, बैटिंग हैवी ये टूर्नामेंट होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं। हर टूर्नामेंट में मैं आपको कुछ अंदाजा दे देता हूं, पर यहां पर मैं यही बोलूंगा, आपको यहां पे जो चेस के जैकपॉट है वो बहुत मिलने वाले हैं लास्ट ईयर की तरह, अगर ये होता है तो, सिंस पिचेस तो एकदम आसान रहेंगी, ठीक है। प्लेयर्स की ज्यादा नॉलेज आपको नहीं दूंगा, बस यही है, एक छोटा सा टूर्नामेंट रहेगा, आइए बात करते हैं। तो देख सकते हैं, बस 2 हफ्ते का टूर्नामेंट है, 19 मैच है, डेली दो दो मैच आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी आपका TNPL भी स्टार्ट हो जाएगा और MPL भी स्टार्ट हो जाएगा, वो MCL, ठीक है, और LPL लंका प्रीमियर लीग। अब आप यहीं पे देख सकते हो, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, देखिए 200 रन, 180, और लास्ट ईयर जितने भी मैचेस हुए उसमें रन बने हैं भर भर के। प्लेयर्स की नॉलेज मैं नहीं समझता कि देना बनता है, ठीक है। ऊपर ऊपर से थोड़े बहुत प्लेयर्स मैं आपको बता दूंगा, कोई कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन आपको, जैसे डिफेंडर का बहुत बड़ा आपको कोई जैकपॉट दे सकता है, तो ये सब थोड़ा बहुत खाली बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला नाम जो मेरे को दिख रहा है, आज तक आईपीएल नहीं खेला, मेरे को बहुत हैरानी है, सी स्टीफन, ठीक है, टॉप क्लास का बॉलर है अगर आप मेरे से पूछोगे तो, और इसको मारना बहुत मुश्किल होता है, और ये हार, मतलब मान के चलो कि ये मैक्सिमम चांस है कि आपको ये डिफेंडर का जैकपॉट देगा। ये बॉलिंग कर रहा है, इनके जो डिफेंड, अगर ये डिफेंड कर रहे हैं ये टीम, अगर ये है भैया टीम में, तो आपको मैक्सिमम मैचेस में आप देखोगे कलर ला के देगा, ठीक है, ये लास्ट ईयर में वहां पर भी बताता रहता हूं। इसके अलावा अगर आप देखोगे, शेख अब्दुल्ला ने लास्ट ईयर आखिरी के 2-3 मैच खेले थे, उन्होंने बहुत विकेट लिए थे, ठीक है। तो यही है, इस टीम को आप डिफेंड टीम मान लो, बाकी प्लेयर्स एक एक करके बताना कोई सेंस नहीं है, खेल लेते हैं सभी, ये पिट्टा, ये सब नीचे तक इनकी बैटिंग होती है, ये आपको समझना है, ठीक है। गोदावरी में अगर आप देखोगे तो इनके जो गानेश्वर हैं, ये इस बात, चलिए ठीक है, पर यही बात है ना, काफी प्लेयर नहीं खेलेंगे, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, इंडिया में सिलेक्शन हुआ था फिर इनके ये चोटिल हो गए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की आपको ये सारी टीम मिलेगी, आप एक बार खाली टीम देख सकते हो। और मैं अभी आपको कुछ कुछ प्लेयर्स के नाम बताता हूँ, जैसे इसके जो मेन प्लेयर रहेंगे, रिकी भोई रहेंगे, बहुत मोटा मारते हैं डोमेस्टिक में, यहाँ ये कैप्टन भी है और आपको भर भर के रन बना के देंगे, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो शिखर भरत आपको खुद ही मालूम होगा, ठीक है, आपके इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अश्विन हेब्बर काफी अच्छा खेलते हैं, ठीक है। जितने भी यंग प्लेयर ना, लास्ट ईयर भी काफी प्लेयर्स थे, बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों ही किया था, ठीक है। अगर आप इसमें उत्तरांधा लॉयंस, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपके जितने भी, इनका अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर के चैंपियन है, इसमें लास्ट ईयर इन्होंने काफी अच्छा किया था बैटिंग बॉलिंग दोनों से, सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिया था एसके कमरुद्दीन, और इन्होंने बैटिंग से भी बहुत मोटा मारा। तो आपको याद रखना है कि नीचे के सारे प्लेयर सारी ही टीम में है, ठीक है। मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे को खुद को नहीं पता, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स को, सिंस छोटे छोटे टूर्नामेंट बहुत सारे आते हैं, तो एक टाइम पे सारे टूर्नामेंट्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बस यही है कि कुछ प्लेयर्स जैसे कि हेमंत रेड्डी ने लास्ट ईयर सबसे ज्यादा रन बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर आप देखोगे तो बॉलिंग में आपको स्टीफन जैसा मैंने बोला है, इसके अलावा कमरुद्दीन ने सबसे ज्यादा विकेट लिया था, हरिशंकर रेड्डी ने उसके सेकंड नंबर पे थे, बट ये सबको यहाँ पे बताना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, ईमानदारी से बोलूँ तो इतने प्लेयर्स को मैं नहीं जानता, ठीक है। तो बस ये इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे को खुद को उतनी समझ नहीं है प्लेयर्स की, ठीक है। मैं आपको खाली कुछ चीज़ आपको समझा सकता हूँ, जो बेसिक है, इट्स अ चेस टूर्नामेंट, पहली चीज आप याद रखिएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि सारी ही टीम में नीचे के प्लेयर अच्छे होंगे, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो मैक्सिमम मैचेस में आपको चेस के कलर मिले, ठीक है। दूसरा, एक ये प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, सी स्टीफन का, ये टॉप क्लास के बॉलर है, आपको डिफेंड करके देंगे, अगर आखिरी ओवर में फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग भी आके दे रहे तो आपको नॉट मिलेगा, ये डिफेंड करके आपको कुछ भी दे सकते हैं अपनी बॉलिंग से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्होंने लास्ट ईयर काफी अच्छी किफायती बॉलिंग की थी, ऑफ स्पिनर है, अगर आप थोड़ा बहुत मैं सहारा ले रहा हूं इस बार आपका क्रिक्स का, ठीक है, उसमें मैं देख रहा हूं थोड़ा बहुत, तो यही सारी चीज आपको बता सकता हूं। गणेश्वर रन बनाते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं खेलेंगे, बट आपको ये है कि नीचे के सारे प्लेयर आपको मार के ही सब मिलेंगे, क्योंकि पीछे सीधी है, यहाँ पे आपको ये रिकी भोई काफी भर भर के रन बना के आपको मिलेंगे, इसमें अश्विन हेब्बर, आपके श्रीकार भरत, गिरीश रेड्डी काफी रन बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इस टीम में देखोगे तो पता नहीं कौन कौन सी टीम में कितने प्लेयर है, इसमें कमरुद्दीन, आपके गिरनाथ रेड्डी, ये सब इतना मोटा मोटा नीचे में मारेंगे जिसका हिसाब नहीं है। बाकी एक बार तो मैच मेरे को देखना पड़ेगा, इस बार तो हालांकि मैं देखूंगा, लास्ट ईयर तक तो आपको मालूम ही है थोड़ा बहुत, मैं हमारा जॉब भी चल रहा था, ठीक है, इस साल तो सारी चीज़ें मैंने हटा दी है, तो इस मैच को अगर देखूंगा तो जरूर आपको बता सकता हूँ, एक एक मैच के बाद, लगभग एक मैच के बाद ही पता चल जाता है कि टीम का क्या होना है, एक छोटा सा टूर्नामेंट है। बाकी ट्रिक याद रखिएगा, टेबल टॉप और टेबल बॉटम, लास्ट ईयर भी अगर हम देखें रिकॉर्ड उठा करके तो लगभग सारा मैच CSR ने जीता था, वाइजैक ने सारा ही मैच हारा था, ठीक है। ये सब जो नाम होते हैं ना, जैसे अगर आप ये सब जितने भी नाम आते हैं, इनके रीजन के होते हैं या तो इनके सिटीज के होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप आसाम T20 जो हुआ था, जितने भी उसमें मैचेस हो रहे थे, कोटा पिट्टा, ये सब जितने भी, वो सब उनके सिटीज हैं, नहीं तो उनके रीजन है, उसके ऊपर ये सब नाम होते हैं। जैसे लाइक कोवाई किंग्स हो गया, तो कोवाई भी कोयम्बटूर को बोला जाता है, ठीक है, तो वो भी आपका, आप मान के चलो एक सिटी है, ठीक है। तो ये सब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इस तरीके से नाम पढ़ते हैं, जैसे बेडाजवा है, रायलसीमा है, गोदावरी है, ये सब इनका सिटी या तो रीजन का नाम होगा, ठीक है। सारे ही जो जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं सब में इसी तरीके से होता है।
जैसे कर्नाटक में मैसूर आपका, हुबली, बेंगलुरु, शिवामोगा, तो इस तरीके से नाम पड़ते हैं। तो ये सब छोड़िए, ये सब इसी तरह कुछ बनाने को था नहीं। ये टूर्नामेंट आप चेस टूर्नामेंट होगा पहला पॉइंट, ठीक है। एक आध प्लेयर का नाम जो मैंने बताया है, सी स्टीफन का नाम याद रखिएगा, आपको डिफेंड करके दे सकता है। और मैक्सिमम मैचेस में आपको, अगर आप ओवरऑल ये प्लान कर लो कि 19 के 19 मैच हम चेस पकड़ के रखेंगे, तो आप टूर्नामेंट के एंड तक आप फायदे में रहोगे, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे ट्रिक से पर खेलना है, खेलना है तो मेरे ट्रिक से खेलना है, नहीं तो नहीं खेलना। जो भी चीज मैं यहाँ पे बोलता हूँ बस वही है कि 1-0 to 50, बस यही मेरा ट्रिक है, इसी के बेसिस पे आपको करना है, आपका काम हो जाएगा। चेस में कलर मिलेगा आपको, बॉलर्स इसमें दमदार नहीं है, पिचेस आपको मैक्सिमम आसान मिलेंगी, क्योंकि यही होता है इंडिया में, हमने आईपीएल में भी देखा, पर अब मैं सुधर गया हूँ, मेरे को पता है कि अब मेरे को क्या करना है, ठीक है। जो टूर्नामेंट चेस का है, जैसे वर्ल्ड कप में सिंस पिचेस टफ थी, तो हमको डिफेंड के एक से बढ़कर एक जैकपॉट मिले, हमको ये सोचना है कि अब जहां पिचेस इजी रहेंगे वहां बॉलर्स को मदद नहीं मिलेगी। और कोई भी, सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ कि कोई भी गधा बल्लेबाज आकर अगर मारेगा, 2-4 छक्का मार देगा, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट रहेगा 19, अगर आप मेरे को इसमें, अगर ये टूर्नामेंट, अगर आप एक भी वीडियो मेरा, अब मान लो कि इसका मैं नहीं बनाता हूं, आप 19 out of 19 में चेस पकड़ना पहली बॉल से, ठीक है। आप अगर मेरे ट्रिक से खेलोगे तो 19 मैच के बाद आप लिख के ले लो, प्रॉफिट में निकलोगे, ठीक है। यहां मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, ये मैं अभी से एडवांस में आपको बता दे रहा हूं। सी स्टीफन के खिलाफ थोड़ा कम रिस्क लेना, वो बॉलर आईपीएल नहीं खेला, मेरे को काफी हैरानी है, वो आपको बड़ा कुछ करके दे सकता है, ठीक है। 2 साल से ट्रेंड अगर आप पकड़ोगे तो गोदावरी दोनों साल आपके फाइनल तक गई है, तो आप ट्रेंड के हिसाब से, सॉरी सीएसआर, ठीक है, सीएसआर गई है, गोदावरी तो नाम होगा ना उसका, कोस्टल राइडर्स, अच्छा, तो वो 2 साल फाइनल में गई है, तो ट्रेंड के हिसाब से आप उसको देख सकते हो। बाकी कुछ प्लेयर्स बहुत मोटा मार के आपको देंगे, बाकी कुछ होगा, क्योंकि मैं तो डिफेंड का प्लेयर हूं, मेरा काम इतना ही है उसमें कलर आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा अपने ट्रिक से, बट थोड़ा ठंडा रहूंगा इस टूर्नामेंट में, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कुछ बोलना नहीं दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है।